नॉर्मली ये होता है कि एग्जाम का हाउ यानी कि डन लगभग लगभग हर बच्चे के ऊपर होता है। टीचर्स, पेरेंट्स और यहाँ तक कि फ्रेंड्स भी एग्जाम के बारे में कुछ ऐसी ऐसी और इतनी इतनी बातें करते हैं कि बच्चा डर ही जाता है एग्जाम के नाम से, एग्जाम को भूत भलित या पता नहीं क्या क्या समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम कोई भूत नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। एग्जाम वो चीज है, वो बात है, वो काम है, वो टास्क है कि आपको ये साबित करना है कि अभी तक मैं आपने जितना पढ़ा है वो सही ढंग से पढ़ा है, जितना भी आपको समझाया गया है, सिखाया गया है, वो सब आपने सीख लिया है, समझ लिया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे आपको भी पता चलता है और हम टीचर्स को भी पता चलता है कि आपने कितना सीखा है और किस तरह से सीखा है और अब आपको कैसे सीखना है और कितना सीखना है। तो एग्जाम के नाम से डरे नहीं, एग्जाम को इत्मीनान से दें, एग्जाम के नाम पर कभी भी घबराए नहीं। एग्जाम के नाम से अगर आप घबरा जाएंगे तो आप जितना भी आपको आता होगा वो भी भूल जाएंगे, वो भी आप एग्जाम में अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, आप डर जाओगे। यहाँ से सब कुछ खाली हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कैसे आएगा। एग्जाम के नाम से बच्चों बिल्कुल डरना नहीं। एग्जाम कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, वो तो एक टास्क है। जो काम आप क्लास में, नोटबुक में, वर्कबुक में करते हैं, वही काम आपको एग्जाम पेपर में, आंसर शीट पे करना है। तो ऑल द बेस्ट।